काजल ये बात कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसको बचाने वाला सुपर हीरो नाग गरुड़ मानव कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका खुद का भाई साहिल था, और ना ही साहिल इस बात का खुलासा कर सकता था। मिस्टर वर्मा को पुलिस के हवाले करने के बाद साहिल को डर था कि कहीं खंडहर के रेडिएशन से काजल की तबीयत पर कोई बुरा असर न पड़ जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काजल अच्छी भली खिलखिला रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद साहिल की माँ और डैडी दोनों की तबीयत अचानक एक साथ खराब हो गई, तो बिना वक्त गवाए वो उनको हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया। ओपीडी के बाहर वो उनके चेकअप होने का इंतजार कर रहा था। वैसे तो वो ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान था नहीं, पर इस वक्त वो सारे भगवान को एक एक करके याद कर रहा था और बेचैनी में इधर उधर देख रहा था और पांव हिला रहा था। अचानक से उसकी नजर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वो परेशानी में कुछ ढूंढ रही है। आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? साहिल मन ही मन सोचने लगा। मुझे जाकर हालचाल पूछना चाहिए। पता नहीं मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन कहीं कोई सीरियस मैटर हुआ फिर? काफी देर तक इस बारे में साहिल ने सोचा, मगर नेहा से बात किए बिना उसे रहा नहीं जा रहा था। जब वो कॉरिडोर में गया तो नेहा आगे जा रही थी। इससे पहले कि वो दूसरी तरफ घूमती, साहिल जोर से चिल्लाया, नेहा! अपना नाम साहिल के मुंह से सुनते ही नेहा रुक गई। शायद साहिल को वहां देखकर उसे भी हैरानी हो रही थी। साहिल ने पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? नेहा सकपका गई, लेकिन फिर खुद को संभाल कर मुस्कुराती हुई बोली, हाँ सब ठीक है, मुझे क्या हुआ? मैं तो बस अपना चेकअप करवाने आई थी। चेकअप की बात सुनकर साहिल को थोड़ा अजीब लगा, तो उसने पूछा, चेकअप? कैसा चेकअप? पर अभी तो तुमने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। नेहा थोड़ी रुकी और फिर बोली, रेगुलर चेकअप एक्चुअली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए अमित के साथ यहाँ आई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा की बात सुनकर साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वो इतना प्यार करता था वो आज किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। साहिल ने ना तो नेहा के सवाल का जवाब दिया और ना ही आगे उससे कोई बात की। वो डगमगाते कदमों के साथ वापस अपने माँ बाप के पास चला गया, मगर उसने मन में ठान लिया कि वो इतना पैसा कमाएगा कि नेहा को जिंदगी भर अफसोस होगा उसे छोड़कर जाने का। दूर खड़ा अमित ये सब देख रहा था। फिर अमित ने देखा कि नेहा एक कोने में जाकर रोने लगी। अमित ने नेहा के पास जाकर पूछा, क्या हुआ नेहा? नेहा ने जवाब दिया, साहिल ने मुझे यहां देख लिया तो मैंने उससे कह दिया कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, इसीलिए अस्पताल आई हूं। ऐसा कहते ही नेहा फिर से रोने लगी। अमित उसका दर्द समझ गया था। फिर उसने नेहा के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, आखिर ऐसा क्यों कहा तुमने नेहा? सच क्यों नहीं बताया उसे कि तुम्हें कैंसर है? जिस लड़के से तुम इतना प्यार करती हो उससे इतनी बड़ी सच्चाई कैसे छुपा सकती हो? नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा, प्यार करती हूँ, इसीलिए नहीं चाहती कि उसे मेरी बीमारी का पता चले, इसलिए तो मैं नाटक करती हूँ कि मैं उसे चीट कर रही हूँ, वरना साहिल मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी ये हालत नहीं देख पाएगा। अच्छा यही होगा कि वो मुझसे नफरत करे और मैं गुमनामी में मर जाऊं। नेहा की बीमारी से अनजान साहिल एक बार फिर गेमिंग एरिना में पहुंच गया। नेहा का जो चेहरा उसने हॉस्पिटल में देखा था वो उसे भूल नहीं पा रहा था। उसके सर पर बहुत सारा पैसा कमाने की धुन सवार थी और उसके लिए आज का गेम जीतना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद साहिल के टीममेट्स समर, समीक्षा और जयंत भी वहां आ पहुंचे। फिर गेम का एक होस्ट वहां पर आया और हर बार की तरह उनको अपने साथ लेकर एक लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट बहुत तेज रफ्तार से धरती के नीचे जाने लगी, मानो जैसे सीधा पाताल पहुंचाएगी। लिफ्ट के खुलने के बाद चारों टीममेट्स ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां बहुत सारा स्मोक था और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है इस बार तो सचमुच पाताल आ गए हैं, जयंत ने मजाक में कहा।
फालतू मत बोल। कभी कभी कही हुई बात सच भी हो जाती है। समर ने उसे फटकारा। अपने टीममेट्स की बात सुनकर समीक्षा भी बीच में कूद पड़ी। चिंता क्यों करते हो? हमारे साथ तो खुद मिस्टर स्नेक फाल्कन मैन उफ नाग गरुड़ मानव है। तभी अचानक से धुआं हटा। टीम ने देखा कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। फिर लाउडस्पीकर पर एक अनाउंसमेंट हुई। वेलकम गेमर्स, ये आपकी लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग गेम होने वाली है। इस वक्त आप जिस जगह पर हैं, उसे कहते हैं ज्वालागढ़, द लैंड ऑफ वोल्केनोस। यहां पर तीन अलग अलग महल है, अग्नि महल, जल महल और वायु महल। आपको एक एक करके इन तीनों महलों में जाना है और अंदर से एक खास चाबी लेकर आनी है। तीनों चाबियां हासिल करते ही आप अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे। मगर याद रहे, यह दुनिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और चाबियों को हासिल करना कोई आसान काम नहीं होगा। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस तीनों की जरूरत पड़ेगी। गुड लक। अनाउंसमेंट खत्म होते ही गेम स्टार्ट हो गया। साहिल अपनी टीम के साथ ज्वालागढ़ में महल ढूंढने निकल पड़ा। ज्वालागढ़ एक बंजर सी जगह थी जहां पेड़ पौधों का कोई नामो निशान भी नहीं था। चारों तरफ थे तो बस पत्थर, रेत और धूल मिट्टी। उसी देर में उन चारों ने इतनी मिट्टी फांक ली थी कि उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। चारों बार बार पानी पिए जा रहे थे क्योंकि सर के ऊपर सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे सब कुछ जला कर रख देगा। जमीन पर कई जगह लाल जलते लावे के छोटे छोटे पोखर भी बने हुए थे। समर ने जयंत को डांटते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुझे, मुंह से फालतू बात मत निकाल। देख, अब सचमुच पाताल में पहुंच गए। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था भाई, सीरियस थोड़े था। मुझे क्या पता था कि उसी वक्त मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी है, जयंत ने अपने बचाव में कहा। तभी समीक्षा बोली, देखो अभी फालतू बातें करके एनर्जी वेस्ट करने का समय नहीं है। ये जगह इतनी गर्म है कि जितना बोलोगे उतना गला सूखेगा और उतनी जल्दी हमारा पानी खत्म हो जाएगा। गेम पे फोकस करो, हमें किसी भी तरह जल्दी से जल्दी तीनों महल ढूंढने हैं। अचानक से जयंत को आइडिया आया। हम चलते चलते मर जाएं, इससे बेहतर है कि साहिल उड़कर तीनों महल ढूंढ ले और हमें वहां का डायरेक्शन बता दे, क्यों? जयंत की इस बात पर समर ने तुरंत हामी भर दी। अच्छा आइडिया है जयंत, यही सही रहेगा। वैसे भी आगे दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, शायद आसमान से कुछ पता चल जाए। साहिल अंदर से बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था, मगर उन दोनों के कहने पर उड़ान भरने को तैयार हो गया। इससे पहले कि साहिल आसमान में उड़ता, समीक्षा ने अचानक से उसे रोका। रुक जा साहिल, तू यहां अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। समीक्षा की इस बात पर साहिल समेत तीनों लोग चौंक गए। समीक्षा ने आगे समझाया, देखो तुम्हारी पावर्स नाग और गरुड़ की है जो कि इस प्लेनेट के एनवायरनमेंट में सूटेबल नहीं है। अगर तूने वो पावर हार्नेस करने की कोशिश की तो नाग की स्किन झुलस जाएगी और गरुड़ के पंख भी जल जाएंगे, और तो और तेरी जान भी जा सकती है। इसलिए इस प्लेनेट पर तुम्हारी पावर्स बिल्कुल यूजलेस है, हमें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। समीक्षा की बात सुनकर समर और जयंत की हवा टाइट हो गई थी। उधर दूसरी तरफ साहिल भी परेशान हो रहा था कि आखिर बिना अपनी पावर का यूज किए वो ये गेम कैसे जीतेंगे। सर पर आसमान काला पड़ रहा था, पर इसलिए नहीं क्योंकि रात थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्वालागढ़ में काली धूल की आंधी ने आसमान को ढक दिया था। गर्मी में चलते चलते सबकी हालत बहुत खराब थी। समीक्षा तो लगभग बेहोश होने वाली थी। कोई और रास्ता ना पाकर साहिल ने अपनी थोड़ी सी पावर्स को यूज करने का फैसला किया। अपनी गरुड़ वाली शार्प आईज को यूज करके साहिल ने देखा कि कुछ दूरी पर कोई चीज बहुत चमक रही थी। यहाँ जरूर कोई ओसिस होगा, साहिल ने मन ही मन सोचा और अपने टीममेट्स को थोड़ा हौसला देकर उस दिशा में बढ़ने लगा। जब वो उस चमकने वाली जगह पर पहुंचे तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साहिल मेरे यार, तूने तो कमाल कर दिया, जयंत अपने आगे पानी का तालाब देखकर जोर से चिल्लाया। समर और समीक्षा की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उन्हें रेगिस्तान में तालाब जो मिल गया था वो भी साफ नीले पानी का। मगर इन सब के बीच साहिल अलग ही परेशानी में था।
उसकी आंखें पानी के सुनहरेपन से चमक रही थी। उसने हैरानी में कहा, गाइस, तुम लोगों को पानी देखकर हैरानी नहीं हो रही क्या? हमें खुशी हो रही है, हैरानी क्यों होगी भला? समीक्षा ने पूछा। क्योंकि पानी गोल्डन कलर का है, साहिल ने जवाब दिया। मैंने जिंदगी में कभी गोल्डन कलर का तालाब नहीं देखा। अरे कौन सा कलर, काहे का गोल्ड? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? मुझे तो पानी पानी जैसा ही नीला पानी लग रहा है, समर बीच में बोला। साहिल ने फिर से हैरानी से कहा, दोस्तों मैं सच कह रहा हूं, मुझे पानी गोल्डन नजर आ रहा है। और लेकिन इससे पहले कि साहिल अपनी बात पूरी कर पाता, समीक्षा ने अपने बैग से एक मैग्नेटिक डिवाइस निकाली और पानी को स्कैन करने लगी। स्कैन करने के बाद समीक्षा ने बताया, मुझे पता चल गया कि साहिल को पानी गोल्डन क्यों नजर आ रहा है। दरअसल इस पानी का असली कलर गोल्डन ही है और सुपर पावर्स होने की वजह से सिर्फ साहिल ही ये देख पा रहा है। ये जरूर इस गेम का कोई खास फीचर होगा। गोल्डन वाटर की कंफ्यूजन क्लियर करने के बाद टीम उस स्पेशल वाटर के फीचर्स को इवैल्यूएट करने लगी। समीक्षा अपने अलग अलग गैजेट से पानी का टेम्परेचर, रेडिएशन लेवल, मिक्स्ड पार्टिकल्स जैसी चीजों को जांचने लगी। साहिल भी अपनी थोड़ी सी शक्तियों का इस्तेमाल करके देख रहा था कि पानी को कंज्यूम करने में कोई खतरा तो नहीं। पर जब दोनों ने दूसरी तरफ देखा तो समर और जयंत उस पानी को पीकर मस्त थे। साहिल और समीक्षा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर पानी पीने लगे। सबने बोतलें भरना चालू की, लेकिन इसी बीच आसमान में एक आवाज आई। उन्हें आसमान में एक काले रंग की उड़न तश्तरी दिखी। उसके चारों तरफ से नीली रोशनी निकल रही थी। वो आसमान में लगातार घूम रही थी। जब उड़न तश्तरी की खिड़की के अंदर साहिल और उसकी टीम को हरे रंग के एलियंस दिखे तो वो घबरा गए। वो एलियंस अपनी उड़न तश्तरी से साहिल और उसके साथियों पर निशाना लगाए हुए थे। अरे बाप रे, ये क्या नया बवाल है, जयंत ने कहा। जो भी है, हमें सावधान रहना चाहिए। इससे पहले कि साहिल अपनी बात खत्म कर पाता, एलियन एयरक्राफ्ट में से एक लेजर बीम उनके ऊपर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से चारों ने उसे डॉच किया, मगर जिस पत्थर पर वो लेजर बीम गिरी थी वो दो टुकड़ों में टूट गया। पत्थर का ऐसा हाल होता देख चारों के चारों अपनी जान बचाकर भागे। चारों लोग बड़ी मुश्किल से एलियंस की उड़न तश्तरी से बचते हुए एक वॉल्केनो के पास वाली गुफा में पहुंचे। यहां तक आते आते कई बार एलियंस ने लेजर बीम से उन पर हमला किया, मगर किसी तरह रास्ते के पत्थरों और चट्टानों का सहारा लेते हुए चारों सही सलामत अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंचे थे। वॉल्केनो की वजह से उस गुफा में भयंकर गर्मी हो रही थी, क्योंकि वॉल्केनो में से मोल्टन लावा बह रहा था। वो लोग जिस पत्थर के पीछे छिपे हुए थे वो भी खौलते हुए पानी जितना गर्म था। उन्हें साफ दिख रहा था कि उनके नजदीक एक वॉल्केनो से लावा तेजी से बाहर आ रहा था। इसे देखकर जयंत की तो हालत खराब हो गई। जयंत ने घबराते हुए कहा, भाइयों लगता है अब हम नहीं बचेंगे, ये वॉल्केनो तो फटने वाला है। अगर यहाँ रुके तो जलकर मर जाएंगे, और अगर भागने की कोशिश की तो एलियंस की लेजर बीम से मारे जाएंगे। मैं तो कटकर मरना प्रेफर करूंगा। इस बात पर समर ने जवाब दिया, अरे चुप हो जा बेवकूफ, तू क्यों गलत समय पर जुबान खोलता है? अभी ये वॉल्केनो नहीं फटेगा, हम थोड़ी देर और यहाँ रह सकते हैं। समर को जियोलॉजी की अच्छी जानकारी थी, इसीलिए सबने उसकी बात मानना ही सही समझा। पर जयंत की जान तो अभी भी सूख रही थी, वो गर्म टेम्परेचर उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अचानक से एक जलता हुआ पत्थर जब उसके ऊपर गिरा तो घबराहट से वो चिल्ला उठा। जयंत के चिल्लाते ही एलियंस ने उन्हें देख लिया और हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। क्या साहिल और टीममेट्स अपनी जान बचा पाएंगे? क्या साहिल अपने दोस्तों को बचाने के लिए सुपर पावर्स का इस्तेमाल करेगा? क्या नेहा अपने कैंसर के बारे में साहिल को बताएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये इंटरेस्टिंग कहानी।